महाजनो येन गतः स पंथः, यानी महापुरुष जिस राह पर चलें वही मार्ग है। जो गुरु कृपा को सबसे बड़ा आशीर्वाद मानते हैं और उन्हीं की दिखाई राह को सर्वोपरि मानते हैं, उन्हें स्वप्न दृष्टा और युग दृष्टा बनने से कोई नहीं रोक पाता। अपने कर्तृत्व से सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक एवं विशेषतः धार्मिक क्षेत्र में अलग पहचान बनाने वाले अध्यात्म निष्ठा, गुरु निष्ठा, संघ निष्ठा, वचन निष्ठा, कर्मठता, उदारता, मिलनसारिता एवं समयोचित सूझबूझ से जिन्होंने देश की विशिष्ट हस्तियों, संतों, सन्यासियों को भी प्रभावित किया है। बात कम अधिक श्रम में विश्वास करने वालों की अग्रिम पंक्ति में जिनका नाम लिया जा सकता है, ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने राजस्थान के पाली जिले यानी मारवाड़ में जाणुंदा के सामान्य परिवार में जन्म लेके भारत की सिलिकॉन वैली यानी बेंगलुरु तक अपनी साख बनाई। वे खुद तो आगे बढ़े ही धर्म संघ के मूल्यों को भी जीवन में आत्मसात किया। गुरु कृपा को ही सर्वोपरि मानने वाले, समाज सेवा में सदैव अग्रणी रहने वाले ऐसे व्यक्तित्व हैं श्री मूलचंद नाहर। श्री मूलचंद नाहर पिता श्री सीरेमल और माता श्रीमती बिदामीबाई नाहर के दूसरे पुत्र हैं। जाणुंदा के सामान्य सरकारी स्कूल और राणावास के स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई। व्यक्ति जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है। तुम ऐसे चलो, तुम्हारा हर कदम निशान बन जाए। तुम ऐसे काम करो, तुम्हारा काम ही तुम्हारी पहचान बन जाए। श्री मूलचंद जी नाहर अनेक सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक संस्थाओं के अध्यक्ष, मुख्य न्यासी, संस्थापक, परामर्शक आदि महत्वपूर्ण पदों पर प्रतिष्ठित रहे हैं, हैं भी। उनकी सेवा भावना के मूल्यांकन स्वरूप आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा कई सारे संबोधन भी उन्हें प्राप्त हैं। नाहर मूलचंद जो छोटा सा लगता है, पर कभी छोटा आदमी बहुत छोटा भी होता है। छोटा है पर इतना धुनी है। इन वर्षों में जो काम किया है, अद्भुत काम किया है, इतना समर्पण के साथ। तो युवक परिषद तो कुछ देर, हम भी आज इस अवसर पर इनको शासन से भी संबोधन। मूलचंद जी नाहर की धुन का पक्का आदमी है। एक बड़ी बात है, योजकस तत्र दुर्लभ है। आदमी में शक्तियां कई बार होती है, वो शक्तियों का किस दिशा में प्रयोग करता है, एक महत्वपूर्ण बात होती है। कर्नाटक सरकार का राज्योत्सव पुरस्कार, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता सम्मान, जैन विश्व भारती जसराज जी शेखानी ट्रस्ट द्वारा संघ सेवा पुरस्कार से लेकर विविध पुरस्कारों से सम्मानित श्री मूलचंद नाहर आज समाजोत्थान के प्रेरणा पुरुष बन गए हैं। श्री मूलचंद नाहर को मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया जाना उनके जीवन की विरल विशिष्टता का स्वतः द्योतक है। मात्र 15 साल की उम्र में ही बेंगलुरु में नौकरी की और व्यवसाय के प्रति अपनी सूझबूझ और ललक के चलते आज उनकी फर्म महेंद्र ड्रग एजेंसीज की पूरे दक्षिण भारत में साख है। श्री मूलचंद नाहर ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत मनोबल से आदर्शों की कई ऊंचाइयों को छुआ है। जीवन विज्ञान के क्षेत्र में नाहर जी का बहुआयामी विशिष्ट योगदान लंबे समय तक याद किया जाएगा। नाहर जी की धर्म पत्नी सुश्राविका श्रीमती शशिकला जी का सतत सक्रिय सहयोग स्वर्ण सुगंधी योग बना हुआ है। श्रीमती शशिकला जी का त्याग, तपस्या और समर्पण के प्रति पूरा झुकाव है। वे गुरु भक्ति और संघ सेवा में मूलचंद जी का पूरा साथ निभा रही हैं। आचार्य महाप्रज्ञ की प्रेरणा से और चरित्रात्माओं की रास्ते की सेवा और आहार की उत्तम व्यवस्था के उद्देश्य से वे बेंगलुरु में मनुहार नाम से चौके की व्यवस्था अबाध रूप से देख रही हैं। व्यक्तिगत जीवन में सादगी और अपेक्षा अनुसार दान देने में उदार भाव रखकर श्री मूलचंद नाहर सादा जीवन, उच्च विचार को चरितार्थ करते हैं। वे आम जन के जीवन और स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार चिंतित रहते हैं, इसका उदाहरण इस बात से मिलता है कि नेशनल हाईवे 4 के रोहतनहल्ली रोड पर बने नाहर फार्म हाउस में रोजाना सैकड़ों लोग निशुल्क चिकित्सा केंद्र से स्वास्थ्य लाभ लेते हैं।
इसके अलावा कई कैंप्स में हजारों लोगों के निशुल्क नेत्र ऑपरेशन व अन्य जांचें व कई हजारों लोगों को निशुल्क चश्मे वितरित करवा चुके हैं। अपनी जन्मभूमि जाणुंदा के स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी को बतौर भामाशाह करोड़ों रुपए की मदद अपनी मिट्टी के प्रति कृतज्ञता दर्शाता है। इस बात की तस्दीक मारवाड़ जंक्शन के पूर्व विधायक श्री खुशवीर सिंह जोजावर राजस्थान विधानसभा में कर चुके हैं। आप मंत्री महोदय स्वयं वहां पधारे थे मेरे विधानसभा क्षेत्र में और एक पीएससी का शिलान्यास किया था जाणुदा गांव में, और जाणुदा गांव के एक बहुत बड़े भामाशाह साहब मूलचंद जी मुकेश नाहर, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए का मातृ शिशु कल्याण भवन का और वो प्रतिवर्ष लाखों रुपए वो चिकित्सा की सुविधा उपकरण के लिए रोटरी क्लब में बेंगलोर में वो रहते और बेंगलोर में भी देते करोड़ों रुपए का चंदा प्रतिवर्ष वो देते। तो ऐसे बाप हमारे जो मूलचंद जी नार जाणुदा वाले मुकेश मूलचंद जी नार, उनको प्रदेश स्तर पर मैं चाहूंगा मंत्री महोदय का आप ऐसे लोगों को प्रदेश स्तर पर सम्मानित करें ताकि उनका हौसला अफजा हो और भामाशाह और आगे कदम बढ़ा के आगे आए। संघ व संघपति के प्रति भक्ति का भाव श्री मूलचंद की ऋजुता को और भी शोभित करता है। संघ के किसी भी कार्य में अपना जुड़ाव ही उनको आह्लादित करने वाला होता है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अनुकूलता के आधार पर सन 2019 का चतुर्मास बेंगलोर में करने का भाव। 2019 में बेंगलोर है प्रवास, तो वहां के लिए श्री मूलचंद जी नाहर को मंगल पाठ सुनाने का विचार। परम पूज्य गुरुदेव के सन 2019 के बेंगलुरु चतुर्मास की व्यवस्था समिति के अध्यक्षीय दायित्व का निर्वहन श्री मूलचंद नाहर के जीवन की अमूल्य उपलब्धि बन गया। तो श्री मूलचंद जी नाहर जो हमारे बेंगलोर के चतुर्मास में व्यवस्था समिति के प्रमुख थे, तो इतना बड़ा चतुर्मास का सारा कार्य होता है, बहुत कितने काल तक पहले से कितना लगना होता है, तो इतना वो भी बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी का कार्य था। और भी संघीय कार्य से जुड़े हुए हैं और मार्ग सेवा का क्रम भी मनुहार चौके के द्वारा हो रहा है, तो खूब अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक विकास होता रहे। श्री मूलचंद नाहर के जीवन पर आधारित अभिनंदन ग्रंथ मूल से यश शिखर तक का विमोचन आज स्वयं आचार्य श्री महाश्रमण की पावन उपस्थिति में होगा। इस ग्रंथ के माध्यम से उनकी असाधारण सेवाएं विशेष रूप से उजागर होंगी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई की मूल भावना से ओतप्रोत श्री मूलचंद नाहर समाज सेवा और समाज के प्रति समर्पण की राह पर लगातार अग्रसर हैं। ऐसे सरल और उदार व्यक्तित्व के लिए यही कहा जा सकता है, वो राहों पर नहीं चलता, वो चलता है तो राह निकलती है। कर्नाटका का क्षेत्र जहाँ पर आदरणीय मूलचंद जी नाहर ने अपने व्यवसायिक जीवन का शुरुआत किया और वहीं के ऐसे रचे बचे हो गए कि वहाँ का चाहे प्रशासनिक वर्ग हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, उन सभी में उन्होंने अपनी एक अच्छी पैठ बनाई है। और गुरुदेव उसी का यह परिणाम है कि आज अनेकों क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तित्व इस अभिनंदन ग्रंथ के विमोचन के इस कार्यक्रम में सहभागी बन रहे हैं, संभागी हो रहे हैं। मैं सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम के लिए आपका मंगल आशीष लेते हुए गीतिका के लिए निवेदन कर रहा हूं, नाहर परिवार की बहनों से गीतिका के लिए। मात पिता बिदामी बाई सिरे मर्जी से पा संस्कार है जीवन इनका देखो सादा जीवन उच्च विचार सहज सरलता आत्मीयता से जीवन को है सरसाया मिलनसार व्यवहार कुशलता व्यक्तित्व सभी को है भाया सदा ही चेहरे पर मुस्कान उदार मना इनकी पहचान शुभ अवसर मंगल भावों से गौरव गाए हैं ग्रंथ अभिनंदन श्री चरणों में भेंट चढ़ाए हैं
नहर कुल भाग्य सराए हम मूलचंद जी को बधाए हम नहर कुल भाग्य सराए हम मूलचंद जी को बधाए हम गुरु तुलसी ने कल्याण मित्र परिवार का दिया अलंकरण महाप्रज्ञ गुरु से पाया शासन से भी संबोधन युवा गौरव समाज रत्न जैसे कितना पाया सम्मान कितने सामाजिक कार्यों में तन मन धन से योगदान पूर्ण सहयोग देवराज परिकर हर काम सदा करते मिलकर गुरु निष्ठा भक्ति से ही तो सब कुछ पाए हैं ग्रंथ ये अभिनंदन श्री चरणों में भेंट चढ़ाए हैं नहर कुल भाग्य सराए हम मूलचंद जी को बधाए हम। मूलचंद जी नहर का जन्म 17 मार्च 1954 को राजस्थान के एक छोटे से गांव जाणुंदा में हुआ और इन्होंने अपनी शिक्षा SSLC के रूप में की और कम शिक्षा होने के बावजूद भी इनके मन में सदा से रामिंग जी नहर कल्याण मित्र परिवार जिसका संभवतः देश के अंदर ऐसे 3 परिवार हैं जिसमें रामिंग जी नहर कल्याण मित्र परिवार भी है उनका सदस्य होने का भी इन्हें सौभाग्य मिला और ये अपनी कार्य क्षमताओं से निरंतर प्रगतिशील रहे। इनका सरल और सौम्य व्यक्तित्व हर किसी को आकर्षित करता है। मैं जब इस अभिनंदन ग्रंथ का संपादन का क्रम देख रहा था कर रहा था तो मैंने सहज ही भाई साहब से पूछा कि आपकी जो शादी का साल है वह कौन सा होगा, तो उन्होंने कहा कि क्या फर्क पड़ता है, जो ठीक है वो लिख दे। इतने सहज, इतने सरल कि उन्हें दुनिया में सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, वह यह आती है कि मैं चारित्र आत्माओं की सेवा में अपने आप को योगभूत बनाए रखूं, मैं संघ सेवा में अपने आप को योगभूत बनाए रखूं, मैं लोगों के हितार्थ अपने आप को योगभूत बनाए रखूं। निश्चित ही इससे नाहर परिवार तो अपने आप को भाग्यशाली मानता ही मानता है, साथ ही साथ जो उनके परिपार्श्व में लोग रहते हैं वह भी अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। गुरुदेव, इस आज के आयोजन के लिए आपने जो समय बख्शाया है निश्चित ही नाहर परिकर आपके प्रति श्रद्धा के भाव अभिव्यक्त करता है। आज के इस क्रम को आगे गति देते हुए मैं स्वागत वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रकाश जी मूथा को। इन्होंने कितनी बार अंदर झांका होगा, कितनी बार अंतर आत्मा में देखा होगा और आज भिक्षु तुलसी महाप्रज्ञ जी और सबको उन्होंने जो उनके हाथ में विरासत दी उसको कितना गुना बढ़ा दिया। हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं ऐसे आचार्य परवर को पा करके। कितना श्रम, कितना वात्सल्य, कितना समाज को संघ को दे रहे हैं। और मैं इसी तरह भाई मूलचंद जी को देखता हूं तो उन्होंने अंदर कितना दर्पण में अंदर देखा न देखा, अंदर आत्मा को देख करके आज जो ये इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो अपना मैं उनको सत्सत वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनको सम्मान करता हूं कि आप इसी तरह से और आगे बढ़ते रहे। और दो व्यक्तियों का मैं क्या कहूं, इनको साथ में ये जो इस शिखर पर पहुंचे हैं सिर्फ ऐसे ही नहीं पहुंच गए हैं, उनको उनके माता पिता श्रीमान सिरेमल जी, भाई श्री उनके माता श्री, उनके अंकल घिसूलाल जी, अरविंद कुमार जी, देवराज जी, धनराज साहब, चंपालाल साहब और सभी परिवारजनों का उनको सहयोग मिला। और सबसे ज़्यादा सहयोग उन्हें मिला उनकी धर्म पत्नी से, जो भी कंधे से कंधे मिला करके जो धर्म संघ की सेवा कर रहे हैं। बहुत कम ग्रहणीय मिलती है, कोई एक इधर संभाल देता कोई इधर संभाल देता है, और उनके लड़के श्री विकास जी और उनके भाई जो है सभी उनको चंपालाल साहब वगैरह जो इन्होंने मिल करके जो इस कुल को निभाए। भाइयों, सिर्फ इनका जन्म छोटे से गांव जाणुंदा में हुआ
वहाँ का भी उनके ऊपर काफ़ी मतलब कि है, वहाँ भी उन्होंने पूरा कार्य किया। फिर राणावास के अंदर काकोसा केसरी मल जी के सानिध्य में उस राणावास स्कूल से भी ने सब कुछ मिला। फिर उनको कर्म भूमि अपना बेंगलोर के अंदर में उनको ऊंचा चढ़ाया और उनके यार दोस्त सगे संबंधी और सब परिवार जिन ने मिलकर के उनका जो आज ये जो जिस स्तर पे पहुंचे हैं उन सब में उन सब का सहयोग है। परंतु उन सब के सहयोग के बाद गुरुदेव का उनके पर जो वात्सल्य और जो आशीर्वाद तब का, उससे ये हीरा जो है चमक करके कोहिनूर हीरा बन गया। तो मैं इनके प्रति, इनके परिवार के प्रति, सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। क्योंकि जिस बेटी ने माता पिता से जन्म लिया और जिन संस्कारों से वह पल्लवित पुष्पित हुई है, वह निश्चित इस अवसर पर अपने भाव प्रेषित करना चाहती है। विजेता रायसोनी। समता के महासागर, वात्सल्य के महानिर्जर, साधना के महाशिखर पुरुष, मम हृदय के देवता गुरुदेव आचार्य प्रवर, आप श्री के चरणों में भाव भरा भक्ति भरा वंदन। गुरुदेव, आज हमारे परिवार का बड़ा ही सौभाग्य है कि आज हम अपने पिताजी का अभिनंदन करते हुए आप श्री के चरणों में उपस्थित हुए और अभिनंदन भी एक ग्रंथ के रूप में आप श्री के चरणों में उपस्थित कर रहे हैं। गुरुदेव, एक बेटे या बेटे के लिए सबसे बड़ा अगर कोई रोल मॉडल है तो वो होता है उसका पिता, उसका सुपर हीरो होता है, जिसकी तरफ वो देखता है और देखते हुए बड़ा होता है। तो मे दिस लिटिल मैन सिटिंग हियर विथ हिज मोस्ट मैग्नानिमस क्वालिटीज इज विल एंड ऑलवेज बी माई सुपर हीरो। गुरुदेव, मेरे पिताजी की बहुत सारी क्वालिटीज है जो मैं भी सोचती हूँ कि मैं अपने जीवन में उतारूँ, ट्राई भी किया, लेकिन इट इज़ ईजियर टू प्रीच दैन टू प्रैक्टिस, और जीवन में लाना बहुत मुश्किल है। उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी, जो उनके क्राउन का सबसे बड़ा जूल है, वो है उनकी ह्यूमिलिटी, उनका हम्बल नेचर, जो बहुत मुश्किल से किसी में आता है, और पता नहीं उनके लिए वो इतना नेचुरल कैसे है। और वो हमेशा तत्पर रहते हैं दूसरों के लिए अपना हेल्पिंग हैंड लाते हुए। उनका इतना बड़ा हृदय है, ये पता नहीं, ये बस इस युक्ति को प्रूव करता है कि इट डजेंट मैटर इन लाइफ कि हाउ मच यू हैव, व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू डू विथ हाउ मच यू हैव व्हाट यू हैव। तो इनके कर्तृत्व ने इन सबको प्रूव कर दिया है, और हमेशा से इनको जो टास्क दिया होता है तो ये हमेशा कंप्लीट करते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, बाय ऑल मींस, बाय ऑल मेथड्स, पॉजिटिवली। सो ही इज ऑलवेज बीन अ फिनिशर, नेवर अ क्विटर, एंड हिज नेवर डेज नेवर से डाई एटीट्यूड हैज ब्रॉट हिम टू वेयर ही इज नाउ। गुरुदेव, एक बच्चे के लिए सबसे प्राउड मोमेंट तब होता है जब उनके पिता और उनके माता पिता के आंखों में उनके लिए गर्व झलकता है। तो एक इंस्टेंस है, छोटा सा इंस्टेंस, जो शायद उनके सारे एक्शंस को जस्टिफाई करता है। जब झानुंदा में स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ था तो एक वरघोड़ा जैसा निकला था जिसमें हजारों लोग, मतलब हाथी घोड़ा और बैलगाड़ी भी थी और रास्ते से चल रहे थे, ऐसे लग रहा था कि कोई महाराजा की सेना जा रही है। और उसमें हाथी पे मुझे अपने दादा दादी के साथ बैठने का मौका मिला था, और जब वो चल रहे थे तो गांव के सारे लोग जो साइड में खड़े थे, जैसे वो पास हो रहे थे उन सबको इस तरह से आशीष दे रहे थे और इस तरह से उनका शुक्रिया कर रहे थे कि वो एकदम ओवरवेल्म हो गए कि हम बहुत खुश नसीब है कि आप बहुत खुश नसीब हो कि ऐसा बेटा, ऐसा सपूत आपको मिला है। और मेरे दादा दादी की आंखों से भी आंसू निकले और उन्होंने बोला कि आज मेरे बेटे ने हमें, सपूत ने हमें, मुझे हाथी पे बैठा दिया, मरने के पहले हमारी ये इच्छा पूरी कर दी। तो ये ऑलमोस्ट उनके सारे एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं। गुरुदेव, आप श्री की ब्लेसिंग्स इसी तरह हमारे परिवार को मिलती रहे, और आप श्री के आशीर्वाद से ही ये मूल निश्चित ही यह शिखर तक पहुँचा है, और ये फैमिली मैन से सोशल मैन तो बन ही गए हैं। और इनके जो जीन्स है शायद वो हमें भी डिफॉल्ट से हमारे हेरिडिटरी में आ गए, बस उनको टैप करने की आवश्यकता है, और हम भी शायद इन्हीं के रास्ते पे चले। इसी तरह का आशीर्वाद आप हमें प्रदान करें। ओम अरह। आदरणीय मूलचंद जी नाहर, जिनके अभिनंदन ग्रंथ के विमोचन पे हम सभी यहाँ समाहित है, इनके अनेकों ऐसे रुचिकर विषय रहे हैं जिनमें वह निरंतर कार्य करते रहे। उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष इन्होंने चिकित्सा के कैंपों की आयोजना करी, और निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, गरीबों को निशुल्क दवाई वितरण इत्यादि, यह इनका एक शौक है, इनका एक मिशन भी कह सकते हैं।
धार्मिक बैठकों में इन्होंने अपनी निरंतरता बनाए रखी है और उसी का यह सुपरिणाम था गुरुदेव कि 2019 में जब आप श्री का चातुर्मास था बेंगलुरु में, उस समय इन्हें व्यवस्था समिति के अध्यक्ष के रूप में भी मनोनीत किया गया। और साथ ही साथ मन में धार्मिक और मानवीय मूल्यों के प्रति इनकी एक पैठ सी बन गई है। पुस्तकों के अनेकों प्रकाशन इनके माध्यम से करे गए हैं और जन जन में मानवीय मूल्यों के विकास हेतु वातावरण विकसित करने के गुरुतर उद्देश्य से सभी धर्मों के गुरुजनों और धर्मावलंबियों के समन्वय से अनेकों कार्यक्रम यह समय समय पर आयोजित करते रहते हैं। विशेषज्ञों के निर्देशन में शिक्षकों के लिए जीवन विज्ञान का जो प्रशिक्षण का क्रम है वह भी निर्बाध रूप से आज तक भी गतिमान है। आयोजनों के क्रम में अनेकों 5 दिवसीय 10 दिवसीय महीने भर के कैंप्स भी इन्होंने अपने स्कूल के अंदर आयोजित करवाए हैं और लगभग मैसूरू और चुनचुनगिरी के अनेकों स्थानों पर इन्होंने लगभग 2700 से अधिक शिक्षकों को उस ट्रेनिंग कैंप के अंदर अपने साथ जोड़े रखा है। उसी क्रम में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ आदरणीय संतोष जी हेगड़े साहब को कि कृपया मंच की तरफ प्रशस्त हों। आदरणीय नरपत सिंह जी साहब, मेजर जनरल साहब से भी अनुरोध है कि वे भी मंच की तरफ पधारें। आदरणीय केसाराम जी साहब, विधायक महोदय से अनुरोध है कि कृपया आगे गुरुदेव के समक्ष पधारें। और साथ ही साथ मैं अनुरोध करना चाहूँगा आदरणीय मूलचंद जी साहब नाहर, महासभा के उपाध्यक्ष आदरणीय नखत जी और जैन विश्व भारती से आदरणीय धर्मचंद जी लुंकड़, दिलीप जी सिरियारी से और साथ ही साथ रमेश जी डागा, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के अध्यक्ष, प्रकाश जी लोढ़ा, मल्लीनाथ जी, श्याम सिंह जी, सुभाष जी नाहर और प्रकाश जी लोढ़ा, पंकज जी ओसवाल, कृपया आगे पधारें और पूज्य प्रवर को यह जो अभिनंदन ग्रंथ है उसे समर्पित करें, उसका लोकार्पण करें। इसी क्रम को बढ़ाने के लिए मेरा अनुरोध भाई विकास और मुकेश से कि वह पूज्य प्रवर के श्री चरणों में यह निश्चित यह है एक बहुत ही पुण्य पल जहां अमृत अनुशासता के हाथों में यह अंक प्रस्तुत हुआ है। आदरणीय मूलचंद जी नाहर के साथ में उनके एक अनन्य मित्र हैं जिन्होंने हमेशा उनका हर कार्यक्रम अंदर सहयोग किया है। उसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा आदर के साथ में भाई ललित आचा को। मूल से यश शिखर तक अभिनंदन ग्रंथ का लोकार्पण हुआ है। पूज्य प्रवर लगभग 30-35 सालों से मैं उनके अभिनंग के रूप में उनके साथ जुड़ा हूं, चाहे धार्मिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, आध्यात्मिक कार्य हो, सारे कार्यों में नित्य उनका साथ देना, चाहे वो प्रातः 4 बजे हो, रात को 2 बजे हो, उनका फोन आता है, तुरंत चले जाते हैं एक लक्ष्य को लेकर। उस लक्ष्य को हम पूर्ण कर और उसमें सबसे प्रथम उनके मुखारविंद से ये रहता है हम पूज्य प्रवर के मंगल पाठ के साथ ये कार्यक्रम शुभारंभ करें। इसी कड़ी में मैं गिनती तो नहीं करवाना चाहूँगा कि कितने कार्यक्रम इन्होंने इस 35-40 साल के सामाजिक आध्यात्मिक जीवन काल में इन्होंने पार किए हैं। आपके आशीर्वाद से जो भी कार्य हाथ में लेते हैं उसको पूर्ण करने में अपना चाहे तन मन धन उसका सिंचन कर उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। उनको जब कन्नड़ भी नहीं आती है फिर भी कर्नाटक के उस क्षेत्र में वहाँ के मुख्य अनेक चुनचुनगिरी स्वामी जी हो, जेएसएस मठ के स्वामी जी हो, अनेक मठाधीशों से, अनेक स्वामी जी से, स्थानीय राजनीतिज्ञों से संपर्क कर उस कार्य को संपादित करने में उनका पूर्ण विश्वास रहता है। टूटी फूटी कन्नड़ बोलकर या साथ में जो भी सहपाठी उनको ले जाकर इस कार्य को संपादित करना उनका लक्ष्य रहता है। आज मेरी पुत्री वनिता के ससुर जी वेवीसा श्री मूलचंद जी नाहर का अभिनंदन ग्रंथ मूल से यश शिखर तक का लोकार्पण होने जा रहा है। मेरा रोम रोम खिल उठा रहा है। आदरणीय मूलचंद जी साहब का जीवन सरलता, सहजता, निर्भयता एवं दूरदृष्टिता से भरा हुआ है। आप 71 वर्ष के
है, किंतु उसका उल्टा कर दे तो 17 वर्ष होता है। आप 17 वर्ष के बालक जैसे दौड़ते हैं और कार्य करते हैं। आदरणीय मूलचंद जी सा परोपकारी जीवन जी रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। आज ग्रंथ का विमोचन परम पावन आचार्य प्रवर के सानिध्य में हो रहा है। मुझे भी इस ग्रंथ में कार्य में मैं इस कार्य में योगभूत बनने का आभार अवसर प्राप्त किया। सहयोगी के प्रति आभार। ओम अरहम। मेरा विनम्र अनुरोध मेजर जनरल साहब पूर्व मेजर जनरल साहब पधारे कि मैं 2016 साल को बहुत अपने जीवन का सबसे बड़ा जब मैं जनरल बन के बेंगलोर आया और बड़े भाई को कहाँ से मालूम चला कि एक राजस्थान के पाली जिले के राजपूत समाज के पहले एक जनरल बने हुए हैं। इन्होंने दिवाली पूजा पे बहन ने और घर पे बुलाया और उसके बाद उन्होंने मुझे गुरुदेव से जोड़ा। जब मेरे पिताश्री उस टाइम 85-85 साल के थे, मेरे साथ रहते थे, तो मूल जी ने कहा कि गुरुदेव के साथ पदयात्रा है विजयवाड़ा में, तो मेरे से पहले मेरे फादर बोले कि मुझे चलना है। मेरे पिताश्री साथ में आए और हम गुरुदेव के साथ भारतीय सेना कदम से कदम मिला के मैं सर्विस में होते हुए आपके साथ उस दिन पैदल यात्रा की। और फिर मैं ऐसा जुड़ा कि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं मेरे मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ मूलचंद जी नाहर को कि मेरे को आपने गुरुदेव से और तेरापन से जोड़ा। मैं तहे दिल से कहता हूँ सर, मैं उस राजपूत परिवार से जहाँ आपने आज सुबह संतों के बारे में बताया और गुरुदेव ने जब जोड़ा, तो मैं इनके हर, चाहे वो चेन्नई का अपने चौमासा था, चाहे बेंगलोर का था, चाहे भीलवाड़ा का था, मैं हर साल मेरे को जब ये निवेदन करते हैं और गुरुदेव आज्ञा करते हैं तो मैं दौड़ता हुआ आकर आशीर्वाद आपका ले रहा हूँ। मैं तहे दिल से मेरे बड़े भाई जो मूलचंद जी है उनका और भाभी जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आपके समुदाय, अपने समाज से और तेरापन से और गुरुदेवों और सभी साधु साधुओं से जोड़ा। ये मेरा, जब तक मेरी सांस है मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, आपके आशीर्वाद हमेशा लेता रहूँगा सब गुरुदेव और साध्वी जी का। और मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि मेरे को भगवान शक्ति दे कि मैं इसी तरह आता रहूँ और भारतीय सेना, राजपूत समाज और अखिल भारतीय पुरुष सैनिक जिसका मैं अभी अध्यक्ष हूँ और गवर्नर साहब के सलाह को मैं उनका एक प्रतिनिधि बन के आऊँगा। मैं इसी क्रम में सादर अनुरोध करूँगा हमारे क्षेत्र के ही विधायक और मूलचंद जी भाई साहब के परम मित्र। मैं बरसों से देख रहा हूँ कि वह निरंतर जब भी मारवाड़ में जाना होता है तो आदरणीय केसाराम जी के पास से जाना और या स्वयं उनका उनके पास में आना, यह एक दूसरे के पूरक के रूप में कहे जा सकते हैं। विनम्र अनुरोध आदरणीय केसाराम जी चौधरी, विधायक मारवाड़ जंक्शन। इन्होंने जो भी काम हाथ में लिया उन्होंने पूरा करके दिया। पाली के हॉस्पिटल में बहुत ही बड़ी वार्ड की कमी थी और एक ही बहुत ही सुंदर वार्ड बना करके पाली की जनता को सुपर्द किया। जानुंदा की धरती पर स्कूल विद्यालय भवन की बहुत बड़ी कमी थी और आपने एक बहुत ही बड़ा सुंदर विद्यालय भवन देकर के जानुंदा की धरती को पावन किया। इसी तरह से वहाँ पर नदी, एक तरफ नदी और एक तरफ गांव, स्कूल इस तरफ बन गई। मूलचंद जी ने गहलोत साहब से कहा, गहलोत साहब बच्चे आएंगे जाएंगे कैसे, तो उसी समय आचार्य महाश्रमण सेतु का निर्माण हुआ। उसके लिए भी मैं बड़े भाई का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मगर इन्होंने जानुंदा की धरती के ऊपर चिकित्सा सुविधाओं की कमी को देख करके एक बहुत ही सुंदर चिकित्सालय भवन का निर्माण करके जानुंदा को सुपर्द करने वाले हैं। निश्चित रूप से हम राजस्थान की पावन धरा, जिसका आपने जन्म लिया, उसका कर्ज उतारने का पूर्ण रूप से कोशिश किया है। जैसा कि नाम है मूल और यश शिखर किताब का विमोचन किया है गुरुदेव, अभी तो मूल बाकी है, ये तो ब्याज के रूप में जो कुछ हुआ है वो ब्याज के रूप में
इस धरा और धरती को दिया है, मूल अभी तक बाकी है। और निश्चित रूप से धर्म की जड़ प्याण में कहते हैं, तो मूल तो धरती के अंदर है, वो दिखाई नहीं देता, मगर ऊपर जो शिखर तक पहुंचता है वो सुंदरता दिखाई देती है। तो आपने जो शिखर तक, ऊंचाइयों तक अच्छाई को बिखेरा है, निश्चित रूप से धर्म संघ को भी और हमारे पूरे पाली जिले का जो भी आपने काम किया है, निश्चित रूप से एक सुंदर शिखर के रूप में दिखाई दे रहा है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको दिन दुगनी और रात चौगनी लक्ष्मी देवे। पूर्व लोकायुक्त और उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति आदरणीय संतोष जी साहब को मैं आमंत्रित करता हूं। श्री एन संतोष हेगड़े साहब, पूर्व न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, स्वागत के शब्दों के साथ में। What has that got to do with today's function? I have known about the achievements of Moolchand ji being a Bangalorean, and if his lifestyle is followed by others, then definitely this greed can be controlled. I would like to give you in brief the growth of greed in this country. Every decade has dozens of or hundreds of scams. I'll give an example of one scam in about 2 to 3 decades so that you will understand the effect of it on the economy of this country. In 50s there was a scam called Jeep scam in importing Jeep vehicles from Great Britain for our soldiers. Country lost 52 lakhs of rupees in that scam. A couple of decades later, there was another scam involving the army, Bofors, in importing weapons for the soldiers from Sweden. We are in 2024. Greed has not come down. Imagine what would be the amount today. Would it be 15 paise in 1,000 rupees? Ladies and gentlemen, we have listened to the achievements of Moolchand ji. हमारे तेरा पंत धर्म संघ में ऐसे अनेक श्रावक श्राविकाएं हुए हैं जिनके भीतर में देव गुरु धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा का भाव बना हुआ रहा। वर्तमान में भी देखें तो ऐसे अनेक श्रावक श्राविकाएं हैं। आज चूंकि मूलचंद जी नाहर का अभिनंदन ग्रंथ सामने प्रस्तुत हुआ है, मूलचंद जी नाहर भी एक ऐसे श्रावक हैं जो देव गुरु धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। श्रद्धावान श्रावक हैं। श्रावक की पहचान होती है, जो श्रद्धाशील होता है वह श्रावक होता है, जो विश्वासी होता है वह श्रावक होता है, और जो प्रयोग धर्मी होता है वह श्रावक होता है। मूलचंद जी नाहर श्रद्धाशील श्रावक हैं। उनके भीतर में देव गुरु धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा है और विश्वासी श्रावक हैं। समाज में भी उन्होंने विश्वास अर्जन किया है और अपने गुरुओं का भी विश्वास अर्जित किया है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के वे कृपा पात्र श्रावक हैं, और उनके भीतर में प्रयोग धर्मिता भी है, क्योंकि श्रावक का एक कर्तव्य होता है कि वह समता की आराधना करे, सामायिक की साधना करे। और मूलचंद जी का जहाँ तक मैंने सुना है, श्रीमान मूलचंद जी नाहर, उनकी दिनचर्या भी सामायिक से शुरू होती है। वे सुबह उठकर एक सामायिक किया करते हैं, तो सामायिक करना अच्छी बात है, पर जीवन में समता आना वह दूसरी बात है। हमने देखा जब परम पूज्य आचार्य प्रवर का चतुर्मास बेंगलोर में था और बेंगलोर के व्यवस्था समिति के अध्यक्ष मूलचंद जी नाहर थे, उस समय उन्होंने जिस रूप में अध्यक्ष पद का दायित्व का निर्वहन किया वह वास्तव में उल्लेखनीय है, क्योंकि ऐसी स्थितियां आती हैं, इतने बड़े कार्य को हाथ में लेना, उस समय अनेक प्रकार की परिस्थितियां सामने आती हैं, उन सब परिस्थितियों को समता भाव से सहन करना यह विलक्षण बात होती है। मूलचंद जी नाहर में वह समता भाव ऐसा दिखाई देता है, तो उनके भीतर में जो समता भाव है, उदारता है, सामाजिक कार्यों में भी वे हमेशा अग्रणी रहते हैं। पैसा तो अनेक व्यक्तियों के पास हो सकता है, लेकिन पैसा का सम्यक उपयोग करना वह दूसरी बात होती है। मूलचंद जी नाहर सामाजिक कार्यों में भी अपने पैसा का सम्यक उपयोग करते हैं और धार्मिक अनेक उपक्रमों में भी अपना पैसे का
सम्यक उपयोग करते हैं। पैसा तो लगाना लेकिन समय देना वह कठिन होता है, परंतु इनकी धर्म पत्नी शशिबाई शशिकलाबाई जो कि प्राय शेष काल में परम पूज्य आचार्य प्रेर के सानिध्य में सेवा का लाभ लेते हैं, मनुहार नाम से चौका चलता है, और मूलचंद जी नहार का भी ये संकल्प है कि महीने में 5 दिन मैं भी गुरु चरणों में उपस्थित रहूं, तो वह क्रम भी इनका निरंतर लगभग क्रम चलता आ रहा है। मैं ऐसे परिवार के प्रति भी यही मंगल कामना करती हूँ और मूलचंद जी नहार के प्रति ये मंगल कामना करती हूँ कि वे आध्यात्मिक उत्तरोत्तर विकास करते रहे और सुदृष्टा जागरिका को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। मूलचंद जी नहार मुझे जहाँ तक इतना ध्यान में नहीं है इन्होंने 12 व्रत स्वीकार किए या नहीं, परंतु आज मैं ये उनको ये कहना चाहूँगी कि परम पूज्य आचार्य प्रेर के सानिध्य में वे 12 व्रतों को समझ कर उन्हें स्वीकार करने का प्रयास करें और 12 व्रतों की साधना जब 5 वर्ष पूर्ण हो जाए तो वे आगे सुमंगल साधक भी बनने का प्रयास करें। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहं। मैं मूलचंद जी बोले उससे पूर्व करबद्ध निवेदन करूंगा। साध्वी प्रमुख आशीष जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आज के इस अवसर पर हमें उद्बोधित करें साध्वी प्रमुखा विश्युत विभाजी। मूलचंद जी नाहर दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं, वे अपने घर की जिम्मेदारियों का वहन भी कर रहे हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में आगे भी बढ़ रहे हैं। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है जब साध्वी शासन गौरव साध्वी राजीमती जी बेंगलोर चातुर्मास के लिए पधार रहे थे, उस समय में आपका उनके साथ में संपर्क हुआ। साध्वी राजीमती जी ने आपको पूछा कि मूलचंद जी अर्थ की अभिवृद्धि हो रही है, इतना धन कमा रहे हो, धन का क्या उपयोग करोगे? तो इन्होंने उत्तर दिया कि सबसे पहले तो मैं साधु साध्वियों के दर्शनार्थ यानी मेरे माता पिता और मेरी पारिवारिक जनों को मैं दर्शनार्थ ले जाऊं, उनके लिए मैं कार खरीदूंगा, और उसके बाद में मेरी इच्छा है कि मैं विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल का निर्माण करूं, और तीसरी मेरी इच्छा है कि मैं अपने अर्थ का उपयोग समाज के कार्यों में करूं। और सचमुच में इन्होंने जैसा किया वैसा ही किया। और एक बात और कही कि उसके बाद में मैं जितना संभव हो सके मैं गुरु दर्शन में और गुरु सेवा में अपने अर्थ का नियोजन करूं और गुरुदेव की जो दृष्टि होगी उसके अनुसार मैं कार्य करूंगा। और सचमुच में मूलचंद जी ने वही किया, अपने अर्थ का सही कार्यों में नियोजन किया। केवल अर्थ से व्यक्ति महान नहीं बनता है, अर्थ तो बहुत लोगों को उपलब्ध हो सकता है, लेकिन मूलचंद जी के जीवन के कुछ ऐसे गुण हैं जिन गुणों के कारण आज मूलचंद जी का व्यक्तित्व लोगों को भा रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है। यद्यपि मूलचंद जी न तो वक्ता हैं, न ये लेखक हैं, न ये साहित्यकार हैं, न इन्हें कोई अच्छा भाषण देना आता है, कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आज अनेक उच्च स्तरीय लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। इसका एक ही कारण है, इनकी अपनी गुणवत्ता, इनकी अपनी सरलता, इनकी अपनी निगर्विता और इनकी अपनी अनाशक्ति। और जब व्यक्ति में गुण होते हैं तो स्वतः ही वह व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। निसंदेह मूलचंद जी धार्मिक कार्यों में भी अपना सहयोग दे रहे हैं, और यही नहीं विशेष रूप से जो शशिबाई सेवा दे रहे हैं या उनके साथ में यदा कदा उनकी पुत्रियां पुत्र आदि भी आते रहते हैं सेवा के लिए, यह सचमुच में प्रशंसनीय बात है। आज 8 महीने गुरु सेवा में रहना कोई आसान कार्य नहीं है, सब प्रकार की ऋतुओं को वे सहन करते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता यात्रा में सब कुछ आती है, लेकिन सब कुछ सहन करके भी वे बड़ी प्रसन्नता के साथ में यहाँ रहती हैं। और साधु साध्वियाँ जब उनका व्रत निभ जाते हैं तो इनके कोई खुशी का पार नहीं होता है, और कभी इन्होंने अर्ज की और कोई इनके डेरे पर नहीं गया
तो इनके भीतर में विचार भी आते हैं कि मैंने प्रार्थना की और कोई किसी ने मेरी गोचरी भी नहीं की। तो सचमुच में ये सब कार्य तब संभव बनता है जब व्यक्ति के भीतर में श्रद्धा का पारावार लहराता है। मूलचंद जी में और उनकी पत्नी में श्रद्धा का पारावार है। मैं यही मंगल कामना करती हूँ कि मूलचंद जी की संघ निष्ठा, गुरु निष्ठा और आचार निष्ठा उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होती रहे और वे अपना सहयोग सब कार्यों में करते रहे। ओम अरहं। मैं इसी क्रम में अनुरोध करना चाहूँगा आदरणीय मूलचंद जी नाहर से कि वह अपनी दो मिनट के लिए अपनी भावाभिव्यक्ति दे। गुरुदेव, सब आपकी कृपा से एक विल पावर जो मेरे को बोलने में, मेरे को आगे काम सक्सेस करने में आपका चेहरा जैसे ही सामने आता है बस हम निश्चिंत हो जाते हैं। हाँ, आपकी कृपा से ही मैं ये देख रहा हूँ सब काम होते जा रहे और एकदम वो जहाँ आगे भी जाते हैं कुछ मानसिक तनाव भी रहता है, जहाँ भी जाते हैं तो आपका नाम लेके जैसे ही उसके अंदर घुस जाते हैं हम लोग, वो मालूम नहीं कैसे सॉल्व हो जाती प्रॉब्लम वगैरह। चाहे ये सामाजिक रहे, चाहे ये राजनीति, ये अपने सरकारी रहे, कभी कभी सरकारी तकलीफें भी आती है लेकिन जैसे ही देखते हैं हाँ जय काम हो गया, काम गए काम हो गए, फिर वापस एक बार ध्यान आता कि यह हाँ आज के लिए एक सामयिक ज़्यादा करूँ, तो वो सब आपकी कृपा से ही सब ये हो रहा है। बस बाकी अब आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे गुरुदेव, परिवार के ऊपर ऐसी कृपा बनी रहे। और एक निवेदन है कि जब भी हम अर्ज करें गुरुदेव आपकी कृपा बनी रहे मनवार चौकी के ऊपर, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि भाई वो 12 व्रतों का फरमाया आपने शादी उड़िया जी ने, मैं पूरी कोशिश करके मैं अभी एक बार, अब ऐसे मेरे शौकीन है काफ़ी लेकिन अब उसको एक बार समझ के फिर मैं आपसे शौकीन लेने की ये करता हूँ कि आज के इस संदर्भ में उद्बोधित करें श्रद्धे मुनि श्री महावीर कुमार जी स्वामी। 53 धर्म संघ में अनेक विशिष्ट श्रावक हुए हैं, उन विशिष्ट श्रावकों की श्रृंखला में एक नाम है मूलचंद जी नाहर। शासन सेवी मूलचंद जी नाहर जिन्होंने अपने कर्तृत्व से, अपने आंतरिक सौंदर्य से सबके सामने यह साबित किया है कि जिस व्यक्ति के भीतर आंतरिक सौंदर्य होता है वह व्यक्ति सबको प्रिय लगता है, सबको अच्छा लगता है। आगम का वह सूक्त सोही उज्जुय भूयस्य धम्मो शुद्धस्य चित्तै, उस सूत्र के परिप्रेक्ष्य में जब मूलचंद जी नाहर को देखते हैं तो इनकी सहज सरलता, सहज ऋजुता, सहज आर्जव भाव आँखों के सामने आ जाता है। मूलचंद जी नाहर जिन्होंने अपने जीवन काल में लौकिक और लोकोत्तर दोनों प्रकार की सेवा करने का प्रयास किया है, चूंकि वे गृहस्थ हैं, गृह धर्म से भी जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने लौकिक धर्म के संदर्भ में अनेक सेवाएं प्रदान की हैं, अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। और ये श्रावक हैं तो श्रावक होने के नाते इन्होंने लोकोत्तर सेवाएं भी बहुत की हैं। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के शासन काल में कर्नाटक में जीवन विज्ञान का महत्वपूर्ण कार्य करने के संदर्भ में इन्होंने इनका बहुत विशिष्ट योगदान रहा है। बाल गंगाधर स्वामी आदि विशिष्ट धर्माचार्यों को परम पूज्य गुरुओं के सानिध्य में लाने वाले, 53 धर्म संघ से परिचित कराने वाले मूलचंद जी नाहर, और इन्होंने अपने कर्तृत्व से यह भी साबित किया है कि सिर्फ लौकिक सेवाएं नहीं, गुरुदेव के साथ निरंतर सेवा में इनका चौका रहता है। और गुरुदेव का 2019 का बेंगलोर चतुर्मास, उससे पहले मूलचंद जी नाहर अनेक बार मेरे पास भी सेवा करने आते और समय मांगते, और उस समय कुछ व्यथित थे, थोड़े दुखी थे कोई बात को लेकर के। तब मैंने इनको एक बात कही कि मूलचंद जी नाहर, जब गुरु की कृपा है तो डरने की जरूरत नहीं है, आप तो एक ही काम करें कि गुरु के नाम की 11 माला प्रतिदिन फेरने का लक्ष्य रखें। और उन्होंने
वह क्रम संभवतः आज भी उनका वह क्रम चल रहा है, परम पूज्य गुरुदेव के नाम की 11 माला फेरते हैं और उसके बाद जब भी वे मिलते वे इस बात से वे संतुष्ट दिखाई देते कि अब मेरी सारी समस्याएं धीरे धीरे समाहित होती जा रही हैं। तो जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु कृपा होती है, जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, समर्पण होता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में हर कार्य को निर्विघ्नता के साथ संपन्न करने में सक्षम हो जाता है। श्री मूलचंद जी नाहर का अभिनंदन ग्रंथ परम पूज्य गुरुदेव के समक्ष अभी लोकार्पित हुआ। श्री मूलचंद जी नाहर और इनकी धर्मपत्नी शशि कला नाहर जी वे भी निरंतर गुरु सेवा में संलग्न रहती हैं और मूलचंद जी नाहर को धर्म संघ से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका शशिबाई की रही है। वे ही पहले इनको गुरुओं के सानिध्य में लाते थे और फिर निरंतर इनका जुड़ाव होता रहा। तो मूलचंद जी नाहर अपने जीवन में और अनेक धार्मिक गुणों का विकास करते हुए अपने जीवन को उत्तम श्रावक की कोटि में लेकर आए, ऐसी मंगल कामनाएं। परम पूज्य आज आपके जन्मदिन के ऊपर ये ग्रंथ का जो लोकार्पण हुआ है, बहुत आप जो कृपा कर रही हमारे ऊपर, आप मेरी मंगल कामना कि आप युगो युगो तक राज करें, आराम से यहाँ आराम भी रहना, मेरी ये मंगल कामना है। लेकिन आज दिन जो निकला उस दिन छोटे गांव में ये मुहूर्त दिया था, एक छोटे गांव में अनुव्रत का प्रोग्राम था और वहाँ आपने ये दिन निकाल के रविवार भीड़ हो जाएगी, शनिवार का विहार है, सोमवार के दिन हमको मालूम नहीं कि आपके जन्मदिन है, उस दिन का ये मालूम ही नहीं था किसी का। बाद में मुनि जी ने फरमाया कि कितना शुभ मुहूर्त आया है कि इस दिन जन्मदिन के ऊपर, तो मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ गुरुदेव और जो भी पूरी कोशिश करूँगा आध्यात्मिक जीवन में जीने की, और वन बाई वन को सौगन ले रहे हैं, कर रहा हूँ, पूरे पाल रहे हैं। अभी मेरे जमीखन के वगैरह सब सौगन चल रहे हैं, एक एक जो आपसे सौगन लेता हूँ आता हूँ तो आपकी कृपा है, सब पल रहे हैं, सब कृपा से मंगल। आदरणीय भाभी जी भी यहाँ पर हैं, शशि भाभी जी भी, और मैं यह कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जो मनुहार चौका चल रहा है या संघ सेवा साधु संतों के प्रति इनकी जो समर्पण भाव है उसका बहुत प्रभाव हमारे भाई साहब पर भी पड़ा है। तो इस अवसर पर मैं चाहूँगा, भावहिल निश्चित रूप से हैं लेकिन आप श्री का आशीर्वाद मिले उससे पहले मेरा निवेदन है शशि भाभी जी से कि वह भी अपनी एक दो मिनट में बात रखे। अभी अभी जो साधु प्रमुखा जी ने फरमाया था कि आप जो संघ से जुड़े हैं और धर्म से जुड़े हैं वो एकदम पक्की सही निश्चित बात है कि जब राजकरणी स्वामी और राजीमती जी जब फर्स्ट बार हमारे बेंगलोर में पधारे थे तब हमारे घर में विराज ना हुआ और उसके साथ में ही आपका उनके साथ में संघ से समाज से और गुरुओं से जुड़ना और आना जाना शुरू हुआ था। जब मैं एक दो पाँच मिनट अगर आप फरमाए तो लेना चाहती हूँ। जब मैं शादी होकर बेंगलोर आई थी तो बेंगलोर में कहीं आई नहीं थी, सब पहली बार ही आई थी, तो वहाँ मैं धर्म से पीहर पक्ष से तो तेरापंथी हूँ, हम पांच बहनें हैं, पांच बहनों में एक तेरापंथी मैं ही हूँ, बाकी सभी अलग अलग धर्म संप्रदाय में हैं। मेरे को ये तेरापंथ मिला, तेरापंथ धर्म संघ मिला, इसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित समझती हूँ। जब बेंगलोर आई तो मैं जानती तो नहीं थी, रास्ते पहली बार थी, तब कभी जाने का बोल दी तो बाहर से छोड़ कर मेरे को वापस ऑफिस निकल जाते थे। फिर बाद में रहते रहते दो तीन साल हुए, पाड़े का घर रहते थे तो घर का घर लेने की बात आई कि घर का घर लेना है, तो घर का घर लेने का मैंने कहा भाई सिटी में नहीं लेना, लेना सिटी के बाहर है, तो बोले सिटी के बाहर में क्यों लेना, घर में यहाँ मेहमान बहुत आते इसलिए बोलती है कि सिटी के बाहर लेना है। मेरे मन में इच्छा थी सिटी के बाहर रहेंगे तो भी उपनगरम विचरते साधु संत घर पर पड़ा रहेंगे, सिटी में रहे तो आने के जगह और अवसर नहीं मिलेगा। तो उसके बाद में जब पहली बार घर लिया तो राजीमती जी और राजगणी स्वामी पधारे तो उनके साथ में हमने बहुत अरज की, रोज दर्शन करने जाते आते करते, तो उसके बाद में आपकी भावना हुई और रोज आने जाने लगे, और वो दिन और आज का दिन कि वहाँ उस दिन वहाँ पर कहाँ थे और आज आपने आप फरमा रहे हैं कि शिखर तक पहुँचे हैं और पहुँचेंगे, यही हम मंगल कामना करते हैं हमारे परिवार के प्रति, और हम गुरु के इंगित की आराधना करते हुए संघ सेवा करते हुए हम अपने आप को
गौरवान्वित समझे और यही करें, संघ की सेवा करते रहे। ओम च इत्ता भारहम वासम चक्कवट्टी महिद्धि ओ संती संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। मनुष्य जीवन मिलना बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, ऐसा ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है। मनुष्य जीवन ने के बाद इसका आदमी क्या उपयोग करता है, यह महत्वपूर्ण बात होती है। आदमी के जीवन में सरलता हो, सरलता छल कपट से मुक्त रहे आदमी, सरलता हो और सेवा भावना हो और सहिष्णुता भी हो, इसके साथ साथ संयम की चेतना हो। सरलता, सहिष्णुता, सेवा भावना और संयम की चेतना, ये गुण उजागर होते हैं तो चेतना आत्मा निर्मल बनती है, और जो दूसरों के लिए कुछ करता है, खुद में आध्यात्मिकता होती है, तो वह व्यक्ति दूसरों के लिए प्रिय बन सकता है और कहीं कहीं अजात शत्रु और कहीं कहीं सर्वप्रिय जैसा, सर्वप्रिय जैसा भी कुछ अंशों में या पूर्ण अंशों में बन सकता है। तो मनुष्य जीवन का बढ़िया उपयोग करना यह खास बात होती है। यह ग्रंथ जो अभिनंदन ग्रंथ के रूप में है श्री मूलचंद जी नाहर के संदर्भ में, इस ग्रंथ का यह लोकार्पण हुआ है और ग्रंथ में कितनी सामग्री है, कितने व्यक्तियों की नाम से ये आलेख या विचार जो भी दिए गए हैं, बहुत बड़ा संकलन लग रहा है। हमारे धर्म संघ में, श्रावक समाज में अनेक प्रकार के श्रावक हैं, कोई तपस्या करने वाले हैं, कोई सामायिक आदि धर्माराधना में रुचि रखने वाले हैं, कोई तत्वज्ञान प्रेमी, तो कोई कार्यकर्ता के रूप में सेवा देने वाले हैं। श्री मूलचंद जी नाहर जानुंदा बेंगलुरु एक श्रद्धालु श्रावक प्रतीत हो रहे हैं। हमारे सन 2019 के बेंगलुरु चतुर्मास की व्यवस्था समिति के वे अध्यक्ष रहे। हो सकता है कि कुछ कठिन परिस्थिति का भी उन्हें को भी उन्हें झेलना पड़ा हो, परंतु व्यवस्था पक्ष को सुचारू रखने में अपने साथियों के सहयोग से उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी भी श्री मूलचंद जी नाहर पर वात्सल्य दृष्टि करते थे, कृपा दृष्टि रखते थे, ऐसा मुझे स्मरण हो रहा है। आचार्य श्री भिक्षु समाधि स्थल संस्थान श्रीयारी में श्री नाहर जी ने अध्यक्ष के रूप में सेवा दी थी। उस समय भी उन्होंने कुछ कठिनाइयों का सामना संभवतः किया था, फिर भी उन्होंने अपनी सेवा दी। जैन विश्व भारती आदि संस्थाओं से श्री नाहर जी जुड़े रहे हैं। शासन सेवी संबोधन से सम्मानित श्री मूलचंद जी नाहर ने जीवन विज्ञान के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी हैं। गुरुकुलवास में लंबे काल से मार्ग सेवा में भी उनके परिवार ने अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री नाहर जी के जीवन की एक उपलब्धि है सेवा। बेंगलुरु तेरा पंथ समाज के एक वरिष्ठ श्रावक श्री मूलचंद जी नाहर आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्र में खूब उन्नति करते रहे, उनके जीवन से दूसरों को भी सत प्रेरणा मिलती रहे, मंगल कामना। तो अभी जैसा कहा गया कि 12 व्रत फिर कभी 5 वर्ष बाद सुमंगल साधना, यह अध्यात्म की धर्म की साधना की दृष्टि से और सामायिक आदि तो है ही, तो यह श्री मूलचंद जी नाहर के संदर्भ में जो अभिनंदन ग्रंथ है, ग्रंथों में ग्रंथ में
अनेक व्यक्तियों के या बहुत सामग्री इसमें दिखाई दे रही है, तो खूब चित्त में समाधि रहनी चाहिए, आदमी के मन में शांति रहे, चित्त में समाधि रहे। यह एक अच्छी बात है कि जिस गृहस्थ जीवन में भी चित्त में शांति समाधि रहनी चाहिए, अनावश्यक कोई टेंशन ज़्यादा न हो, चित्त में शांति समाधि रहे और जीवन में सरलता, बच्चे किसी मानो कुछ अंशों में सरलता बनी रहे और आध्यात्मिक धार्मिक संदर्भों में सेवा भावना भी पुष्ट रहे और खूब अहंकार नहीं आए। हाँ, अहंकार नहीं आना, अच्छी बात है, अहंकार नहीं आना चाहिए तो खूब अच्छा रहे। तो यह ग्रंथ भी एक है तो फिर प्रेरणा में निमित्त बने, परिवार में भी खूब धार्मिक संस्कार अच्छे रहें और हमारे अनेकों ने ये विचार अभी व्यक्त किए हैं, तो ये श्री नाहर परिवार और मूलचंद जी नाहर खूब अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक सेवा का कार्य करते रहें। मंगल। अब मैं इन शुभकामनाओं के क्रम के बाद मैं आभार ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं भाई मुकेश नाहर। आज के इस गौरवशाली क्षणों में हस्ताक्षर बने सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सौभाग्यशाली रहा हमारा नाहर परिवार, जिन पर हमेशा पूज्य प्रवर की कृपा रही। गुरुदेव के आशीर्वाद का माह ही प्रतिफल है हम अपने आध्यात्मिक विकास के साथ संघ व समाज की सेवा में कुछ भूमिका निभा पाए। हमारे चाचा जी आदरणीय मूलचंद जी सा नाहर ने तो पूरे परिवार का गौरव बढ़ा दिया है, यह कह सकता हूँ हमारी नवी पीढ़ी के लिए एक बेंचमार्क स्थापित कर दिया है। स्मारिका का आज विमोचन हुआ, मैं देख रहा था कि अनेकों महानुभावों ने जो विचार रखे, मैं समझता हूँ हमारे परिवार के लिए यह महत्वपूर्ण अमूल्य पूंजी है। मेरा मानना है आदरणीय अंकल जितना भी समय संघ समाज को दे पा रहे हैं तो उनका श्रेय शशिकला आंटी को भी जाना चाहिए। अपने अंकल को पारिवारिक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी से निश्चित रखा। आप स्वयं संघ संपत्ति के प्रति गजब के समर्पित है। गुरुदेव के रास्ते की सेवा में हमारा परिवार को मनुवार चौका के माध्यम से सेवा करने का अनेक वर्षों से अवसर प्राप्त हो रहा है। उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी भी शशि आंटी निभा रही है। पूज्य प्रवर ने अनंत कृपा कर इसका इस समारोह का हेतु व अंकल को विशेष आशीर्वाद प्रदान करवाया। मैं स्मरण संपूर्ण नाहर परिवार की ओर से श्री चरणों में कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। गुरुदेव आप यूं ही कृपा बनाए रखाए। उन सभी चरित्र आत्माओं एवं महानुभावों का शुक्रगुजार आभार करता हूँ जिन्होंने अपने भावों को शब्दों में पिरोया। आज के इस अवसर पर उपस्थित होकर आप सभी ने हमें आभारी बना दिया। आभार व्यक्त करता हूँ जिनके अपने अथम श्रम नियोजन से इतने सुंदर तरीके से इस स्मारिका को संपादित किया, वो है आदरणीय भाई साहब श्री अविनाश जी नाहर एवं टीम, मेरे आदरणीय पिता श्री स्वर्गीय देवराज जी साना और माता श्री मैना देवी। अगर आज के इस अवसर पर उपस्थित होते तो उन्हें अंकल के इस दस्तावेज़ को देखकर कितनी खुशी होती। माता पिता के तुल्य मूलचंद जी और अंकल आंटी हमेशा मेरे पिताजी और माताजी का विशेष सम्मान दिया। मैं अंकल के शुभ भावी जीवन की अनेक शुभकामना देता हूँ। अवश्य इस पुस्तक हम सभी युवा एवं आने वाले पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बनेगी। स्वयं के लिए एवं सभी के लिए मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। पधारे हुए सभी महानुभावों अतिथियोंगण का देवराज मूलचंद नाहर चैरिटेबल तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। ओम अरम।